हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वेटेज जो होगा वो आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए, इस साल कितने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको चैप्टर वाइज वेटेज मालूम होगा तो आप अभी जो रिवीजन आप स्टार्ट करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे और अपना 100% सिलेक्शन जो है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में सिक्योर कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर वाइज वेटेज में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो प्लांट डाइवर्सिटी से 7 क्वेश्चन, यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिसका वेटेज यहाँ पे आपका 12% जो है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होगा। वैसे इससे क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन तक आपको इस यूनिट से डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड से पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 7 क्वेश्चन इस बार एवरेज आपको बता रहा हूँ। अगर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी के 2 क्वेश्चन हर बार की तरह फिक्स है। प्लांट मॉर्फोलॉजी से 4 क्वेश्चन वो आपके फिक्स है। सेल साइकिल और सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, अगर इन 3 चैप्टर को मिला लें, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये पूरी जो यूनिट है उसको मिला लें, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको नीट में दिखते हैं। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, देखें अगर आप इस कंपैरिजन में देखें 10% 13% इस यूनिट का वेटेज आपको यहाँ पे दिखता है। प्लांट फिजियोलॉजी से भी 8 क्वेश्चन आपको हर बार आपको प्लांट फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसका वेटेज आपका 13% होता है। प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट रिप्रोडक्शन का यहाँ पे 5% वेटेज, 5 क्वेश्चन आएंगे, 9% आपका वेटेज यहाँ पे मिलेगा आपको देखने को। वहीं जेनेटिक्स की बात करें अगर तो जेनेटिक्स से सबसे ज़्यादा 15% और इकोलॉजी से 15 क्वेश्चन, इकोलॉजी से 10 क्वेश्चन, जिसका वेटेज 24% और 16% आपका होता है। आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके, 90 में से अगर 25 क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ तो आपके 25 क्वेश्चन आपके केवल 3 चैप्टर हैं आपके जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, यहाँ से पूछे जाएंगे। मतलब 2 चैप्टर जेनेटिक्स के, 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के, 4 चैप्टर आपके इकोलॉजी के। अगर इन सबको जोड़ लें आप, केवल 8 चैप्टर हैं, जिन 8 चैप्टर से आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये कोई रटने वाले चैप्टर नहीं है, ये आपके बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर हैं, जिन चैप्टर को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जिन चैप्टर के बारे में आप अच्छे से समझ के उनको याद कर सकते हैं। अगर हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो एनिमल डाइवर्सिटी जैसे एनिमल किंगडम, जिससे आपको हर साल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक चैप्टर पर्टिकुलर जिससे 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एनिमल टिश्यू से 1 क्वेश्चन आता है और स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से 1 क्वेश्चन आता है। वैसे कि आपके ये दोनों तो आते हैं एक ही में, तो आप इस चैप्टर से पूरे से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 15 क्वेश्चन, आप यहाँ पर 13 मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन अगर यहाँ पर लेके चलें तो 15 क्वेश्चन, और इस पूरी यूनिट का वेटेज 45%। जूलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, जूलॉजी का जो आपका वेटेज है उस जूलॉजी के वेटेज में 100% में से आपका 45% जो वेटेज है वो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का होता है, क्योंकि 13 क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी। अब पहले जो मैंने आपको बताया वो बॉटनी का था, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो जूलॉजी का है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 5 क्वेश्चन, आपको पिछली बार आपसे याद होगा आपको क्वेश्चन, आपसे स्पर्म का पाथवे आपसे पूछ लिया गया था। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आपको उससे सीधे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ऑरिजन एंड एवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से 1 क्वेश्चन कंफर्म है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब आपको यहाँ पे यूनिट देख लीजिए, अगर आप चैप्टर देखें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ लिया आपने, ऑरिजन एंड एवोल्यूशन पढ़ लिया, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लिया, 5, 3, 8, 3, 9 और 1, 10 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। जेनेटिक्स, इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से आपके 25 क्वेश्चन तैयार हो गए, 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अगर आप 13 क्वेश्चन ये ह्यूमन फिजियोलॉजी तैयार कर लेते हैं, मैं इसको 15 लेके चलता हूँ, चलिए आप 25, 10, 15 और आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूरे तैयार हो जाते हैं। तो केवल इतनी यूनिट पढ़ने से आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो बाकी के तो फिर आप और जो चैप्टर हैं उनको अगर कंप्लीट, अगर आपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन और प्लांट फिजियोलॉजी तैयार कर ली तो आपके यहाँ पे 65 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गए, और आपका एवरेज होता है कि 80 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन आप नॉर्मली सही कर लें। तो ये जो रिवीजन के लिए मैंने बताया कि पहले इन चैप्टर पे आप फोकस करें अपने रिवीजन के टाइम पे और अपना सिलेक्शन 100% सिक्योर करें। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।